जब आप पहले ही जनता के बीच लोकप्रिय हों और ऊपर से अगर हाईकमान का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। राजस्थान की राजनीति में अभी अगर सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो है सचिन पायलट। और ये सभी जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से सचिन पायलट और उनके गुट के लोगों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में अब जब पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है तो राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल मच गई है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट भी अभी 3-4 दिन का दिल्ली दौरा करके आए हैं, जिसके बाद वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। 3-4 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर लौटे हैं। जयपुर पहुंचते ही पायलट ने अशोक गहलोत और उनके नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि आज जरूरी है कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए जरूरी है कि जनता से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए और सभी को साथ लेकर चला जाए। पायलट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो 2003 और 2013 वाली स्थिति वापस आ जाएगी। सब जानते हैं कि 2003 और 2013 में गहलोत ही मुख्यमंत्री थे और क्रमशः 56 और 21 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। यानी कि गहलोत जब जब भी सीएम बने तब तब कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। पायलट ने साफ कर दिया है कि 2023 में भी यदि गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात सभी जानते हैं कि 2014 से 2018 तक पायलट के नेतृत्व में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था और तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जानकारों के अनुसार सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान यानी कि गांधी परिवार का समर्थन है, इसीलिए इतना सख्त बयान दिया है। पायलट ने यह बयान तब दिया है जब पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। गांधी परिवार सिद्धू के साथ खड़ा है। अमरिंदर सिंह के विरोध के बाद सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उम्मीद थी कि पंजाब का मामला शांत होने के बाद ही राजस्थान का माहौल गर्म होगा, लेकिन पंजाब में सिद्धू के पदभार संभालने से पहले ही राजस्थान में पायलट ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। असल में गांधी परिवार ने यह माना कि पंजाब में सिद्धू और उनके समर्थकों के बगैर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में नहीं आ सकती, इसलिए अमरिंदर सिंह के मुकाबले में सिद्धू को तवज्जो दी गई। राजस्थान में तो सचिन पायलट ने अपनी काबिलियत विधानसभा के चुनाव में भी साबित कर दी थी। गांधी परिवार भी पायलट के प्रभाव के बारे में बखूबी जानता है। पायलट पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में ही थे। दिल्ली में पायलट गांधी परिवार के संपर्क में भी रहे। हो सकता है कि पायलट की मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी हुई हो, जिसके बाद पायलट पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। यदि पायलट को गांधी परिवार का समर्थन नहीं होता तो गहलोत सरकार पर इतना सख्त बयान नहीं देते। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों निर्दलीय और बसपा वाले विधायकों को आगे कर अशोक गहलोत ने हाईकमान और पायलट को लेकर जो भी बयान दिलवाए उससे गांधी परिवार खास करके श्रीमती सोनिया गांधी खुश नहीं है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के गहलोत विरोधी रीट्वीट को सोनिया गांधी की नाराजगी से ही जोड़ कर देखा गया है। सीएम गहलोत के लिए परेशानी की बात तो ये है कि अजय माकन अपने रीट्वीट पर अभी भी कायम है। माकन ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें कहा गया कि अमरिंदर सिंह हो या अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री बनते ही ये समझने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत उन्हीं की वजह से हुई है, जबकि ये जीत सोनिया गांधी के नेतृत्व से मिलती है। जानकारों की माने तो अजय माकन ने गहलोत से मुलाकात करके पायलट समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सुझाव दिया था, जिसे गहलोत ने अभी तक नहीं माना है। माकन ने गांधी परिवार की भावनाओं से भी अवगत करा दिया है, लेकिन गहलोत माकन के सुझावों को गंभीरता से नहीं ले रहे। सूत्रों के अनुसार इस बार पायलट ने धैर्य दिखाया है, उससे गांधी परिवार में पायलट के नंबर बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि पंजाब कांग्रेस के बाद राजस्थान कांग्रेस का नंबर कब लगता है। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स,
जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं मिशी मीडिया सॉल्यूशंस @gmail.com।